अस्सलाम वालेकुम। सो इस सेशन में मैं एक लाइव आपके सामने रिसर्च करूंगा कनाडा के लिए, अमेज़न कनाडा के लिए, और हम देखेंगे कि कैसे इसमें प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं। मैंने कोई अभी तक ऑनेस्टली कोई पहले से छांट के नहीं रखी प्रोडक्ट्स, तो मैं हो सकता है प्रोडक्ट्स हम काफ़ी सारे निकालें जिसके अंदर से जो काम की ना हो, और फिर हमें तो हो सकता है थोड़ा सा ये लंबा सेशन हो। तो लेट्स मूव ऑन। मैं इस वक्त ब्लैक बॉक्स यूज कर रहा हूँ, ये Helium10 का प्रोडक्ट है, और अगर आपके पास ब्लैक बॉक्स नहीं है तो कोई और है, जैसे एम्स स्काउट या जंगल स्काउट, अगर उसकी वेब डेटाबेस है तो उसमें भी यही फिल्टर्स लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से अमेजोन कैनेडा सेलेक्टेड है, ठीक है पहले से। अब हम फिल्टर्स में आ जाते हैं। कैटेगरी हमने पहले ले लेनी है, कोई कोई भी कैटेगरी ले लें, ऑफिस प्रोडक्ट्स है, बेबी है, होम है, चले होम हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, प्राइस में मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि 15, अब ये कैनेडियन डॉलर्स की बात हो रही है तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि $15 मिनिमम प्राइस हो। मैक्सिमम में आप चाहें तो कहीं भी ले जाएं, वो डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। मैं तो $100 वाले प्रोडक्ट भी बेच सकता हूँ, 200 वाले भी बेच सकता हूँ, आपकी मर्जी है। आप भी इस पे जाएं या इससे भी ऊपर जाएं या फिर इससे भी नीचे रहें। तो अभी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम इसको 99 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, रिव्यू काउंट हमने कर दिया, कम से कम दो तीन तो हों रिव्यू, जो हो सकता है उसके अंदर हमें प्राइवेट लेबल मिला, लेकिन 3.5 हमने यहाँ कर दिया, रेटिंग इसकी है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे फुलफिलमेंट में FBA और FBM दोनों पे चेक लगा दिए। अच्छा, अब ये मंथली सेल्स यूनिट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं इस पे कहता हूँ कि मिनिमम 150 यूनिट सेल हो रहे हो और मैक्सिमम 1500 सेल हो रहे हो। 1500 उसके कह देता हूँ कि इससे भी ज्यादा ऊपर वाले अगर निकल आएंगे तो वो फिर बहुत ही ज्यादा बड़े ब्रांड्स निकल आएंगे शायद, जो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए इस एग्जाम्पल के लिए जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सेलर्स को मैं कहता हूँ कम से कम दो तो हो, या तीन रखें तो ज्यादा बेहतर है। अगर रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा आ जाए तो फिर तीन करें इसको, अगर रिजल्ट्स कम आते हैं तो फिर इसको दो करके ट्राई किया जा सकता है। मैक्सिमम मैं छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। वेरिएशन काउंट में फिलहाल मैं दो रखता हूँ मैक्सिमम, अगर दो वेरिएशन हो तो मुझे संभालना आसान होगा। बहुत ज्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स को अभी मुझे नहीं देखना, देख सकते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप इसको, हमने होम की कैटेगरी में हम ये काम कर रहे हैं तो आप इसे सर्च करें और देखें ये क्या लेके आता है हमारे सामने। ये 43 प्रोडक्ट्स लेकर आया है और ये बता रहा है कि इसकी तकरीबन 963 मंथली सेल्स हैं। ये कुछ लेमन स्क्वीजर है, ठीक है। तो इसी तरह ये यूटोपिया है और हेरियो, इसमें 10 क्या चीज़ है, कॉफी पेपर फिल्टर, और इस तरह पर ये सन बीम फोल्डिंग ड्राइंग रैक है, सिंपल हाउसवेयर है, ठीक है। ओफार गो स्टेनलेस पे 3 लोग बैठे हैं, सिंपल हाउसवेयर इस पे 5 लोग बैठे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसी तरह फिर हम एक और दो कुछ ऊपर कर लेते हैं, इलास्टिक बैंड जिसमें 3 लोग हैं, क्वीन टाको आर्टिफिशियल वाइन्स, कैप्सूल लेटर्स, मैसेज इन द बॉटल, ग्लास फेवर बॉटल, ये शायद कुछ काम की चीज लग रही है इसमें। बेसिकली मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ, इसकी टोटल रेवेन्यू अभी क्या है, इसकी मंथली सेल्स 183 है, ठीक है। BSR ये है, 5 सेलर्स पे बैठे हैं, तो ये हो सकता है हमारे शायद काम की चीज हो। सेलर को ओपन करके ये देख लेते हैं कि कैसे ये सेलर्स हैं सारे इसमें। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास काफी सारे टूल्स चल रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करें, हम जो मेन हमारे लिए कीपा इम्पोर्टेंट है। अब सेल्स रैंक इसका अभी तो काफी नीचे लग रहा है यहाँ पे, और मेन कैटेगरी जो है वो होम एंड किचन है इसकी, तो सप्लायर्स इसमें, सॉरी सेलर्स इसमें देख लेते हैं। इसमें इन्फेमेट्री एक सेलर है और ये ब्रांड का भी नाम इन्फेमेट्री है, तो इसका मतलब ब्रांड खुद सेल कर रहा है, और ये बाकी सारे जो है वो आई डोंट नो, अब ये परमिशन के साथ बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं तो। और वो बेच भी बहुत महंगा रहे हैं, जैसे ये $84 का बेच रही है जबकि $18 का प्रोडक्ट है। मोस्ट लाइकली ये आपके फायदेमंद आपके लिए नहीं रहेगा। बियॉन्ड गोर में इसमें 7 सेलर बैठे हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमने खोल रखा था, एक और लिस्टिंग अवेलेबल फ्रॉम दीज सेलर्स, तो इसमें अमेजोन वेयर हाउस भी है और कोई इसमें इस वक्त सेलर नहीं है।
FBA में, इसमें जो है बियॉन्ड गोरमे, ये एक ब्रांड है, और पार्चमेंट पेपर मेड इन स्वीडन, इसमें ये सारे ही FBM कर रहे हैं इस वक्त। अब ये देखना पड़ेगा कि आपको FBM वालों की लिस्टिंग में जाना है या नहीं। तो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसे देख के ऐसे ही अंदाजा होता है कि ये प्राइवेट लेबल हो सकती है, तो फिर शायद मैं उस वजह से भी उस पर हाथ नहीं रखता हूँ। एक्सप्रेसो मशीन डी कैफलिशियर, पता नहीं क्या लिखा है, 67। दूसरे पेज पे आ जाते हैं। एक्रेलिक पेंट, ये है, 5 सेलर्स बैठे हैं इसमें। इसको चेक कर लेते हैं। जूनियर वाइट इसका ब्रांड नेम है। कौन से सेलर बैठे हैं? जूनियर वाइट खुद बैठ के बेच रहे हैं यहाँ पे, तो प्राइवेट लेबल होगा। अच्छा, इसमें ज्यादातर चीजें हमें प्राइवेट लेबल ही नजर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है। लुआन, ह्यूमिडिफायर है ये। सेंटेविया वाटर सिस्टम, एडजस्टेबल टीवी ट्रे, सिंपल हाउसवेयर। ये भी सारे FPM कर रहे हैं, बंद कर दिया मैंने इसे। ये देख लेते हैं, सेंटेविया, ये भी कुछ प्राइवेट लेबल टाइप की चीज लग रही है वैसे। अच्छा, ये अब देखें, अच्छी चीज है। इसमें अमेज़न प्राइम खुद भी बेच रहा है, और इसमें और लोग भी बेच रहे हैं जो कि अमेजोन से कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो अच्छी बात। एक और यहाँ पे ये नजर आ रही है कि अमेजोन के प्राइस जो है वो $55 के ही लगे हुए हैं, वो कम्पीट नहीं कर रहा इन लोगों से, और अमेजोन का आना जाना काफी ज्यादा है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल गई है अब, तो ये बिल्कुल हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं होमन किचन में। और इसके एस्टिमेट्स जो है वो, अगर एस्टिमेट्स वैसे आपको इसके जंगल स्काउट के एक्सटेंशन से मिल जाएंगे, एम्स स्काउट के एक्सटेंशन से भी मिल जाएंगे, तो उसको ट्राई आप कर सकते हैं किसी को। और एक्सरे का, अगर प्लग इन आपके पास लगा हुआ है Helium10 का, तो उससे भी आपको इसके एस्टिमेट्स मिल जाएंगे कि ये कितना सेल हो रहा है। जैसे ये बता रहा है 112 पीस सेल कर रहा है ये महीने का, ये आपको एम्स स्काउट बता रहा है। अब अगर मैं हीलियम का एक्सरे यूज करके देखता हूँ, तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि कितना सेल हो रहा है। अच्छा, ये कहता है 218, यानी कि ये ज्यादा बता रहा है, तो ऑलमोस्ट डबल बता रहा है बल्कि। तो अब फिर वही बात है कि एनीवेयर बिटवीन, आप इसको अज्यूम करेंगे कि एनीवेयर बिटवीन 200, 120 to 200 के आसपास में ये सेल्स इसकी आ रही हैं, तो जो कि ठीक है, मुनासिब है। अब इसके इसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं बिल्कुल ये प्रोडक्ट को, और मैं जरूर इसका ब्रांड ढूंढूंगा कि ये कौन है और कहाँ का ब्रांड है। सेंटेविया, ये सिंपल मैंने सेंटेविया लिखा गूगल में, तो ये आ गया मेरे पास। सेंटेविया कनाडा भी इसका लिंक है, तो हम कनाडा वाले पे जाके देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट बनी हुई है, और इसके पास ये सारी प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। वाटर वाटर फिल्टर टाइप की सारी चीजें हैं ऐसा लग रहा है, तो बिल्कुल इससे आप अकाउंट बना सकते हैं एज लॉन्ग एज के ये अलाउ करें तो। और कांटेक्ट आपको करना होगा इनका, इनसे, ये इनका फोन नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है। इसको उठा के हब स्पॉट पे डालें, हब स्पॉट के अंदर इसको मेंटेन करें, और फिर इससे रब्ता करें और इससे अकाउंट बनाने की कोशिश करें। यहाँ तक जो जो इन्फॉर्मेशन हमने देखी है सेंटेविया में, इसमें हमें कोई एज सच वो प्रॉब्लम नजर नहीं आता। आप ये ख्याल रखिएगा कि ये फिल्टर्स 3 पैक हैं, तो आपको 3 पैक ही भेजने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने वो बाकी सारे जो हम एनालिसिस करते हैं US में, वो इतने ज्यादा मैंने नहीं किए, क्योंकि
यूएस की मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो हमें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फिल्टर लगा के प्रोडक्ट्स निकालनी पड़ती हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे मतलब की चीज मिले। कनाडा की मार्केट छोटी है काफी, और इस छोटी मार्केट की वजह से हमें फिर थोड़े से फिल्टर्स अपने साइड पे रखने पड़ते हैं कि अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, उसके अलावा फिर भी मिल जाए चीज तो बहुत है। तो दैट इज व्हाट इट इज। और बिल्कुल, मैं इस प्रोडक्ट को देख के समझता हूँ कि ये अच्छी प्रोडक्ट है और हम इसको सेल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी कैन फाइंड आउट, वी कैन गेट एन अकाउंट विद द ब्रांड डायरेक्टली। और अगर ब्रांड अकाउंट नहीं देता तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर निकालें, इसको लिंक्डइन के थ्रू इसके कॉन्टेक्ट निकालें, वो जो सारी हमारी जो गाइडेंस गाइडलाइंस हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं कैसे आप ब्रांड्स अकाउंट बनाते हैं, वो सारी यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो बिल्कुल अप्लाई करें, फॉलो करें उससे। अच्छा, ये एक और है हमारे पास, एरोबिया। इसमें प्राइम कोई नहीं बैठा हुआ, इसमें सारे ही एफबीएम है। आई मीन ये आप कर सकते हैं इसको भी कंसिडर, लेकिन पहले ये फिगर आउट करना जरूरी होगा कि ये देखें, अब ये मुझे बता रहा है कि 39.95 और बाय बॉक्स 41.99 के ऊपर इसका चल रहा था पिछले दिनों में, और इस वक्त जो मिनिमम लोएस्ट प्राइस हमें यहाँ नजर आ रहा है वो 65.99 आ रहा है, तो इसीलिए बाय बॉक्स सप्रेस हुआ हुआ है और बाय बॉक्स इसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये प्रोडक्ट को मैं खुद भी इनफैक्ट अपने पास लिस्ट, अच्छा वो पिछले पेज पे चली गई। एनीवेज, तो ये चीज हो गई। अब हम आ जाते हैं आगे मजीद, इसमें 4 सेलर्स बैठे हैं, उसको देख लेते हैं एक नजर, ये क्या चीज है, माइक्रोवेव हॉट पॉपकॉर्न पॉपर। अच्छा, ये 5 सेलर्स में बैठे हैं, रेटिंग्स बहुत अच्छी है इसकी। प्राइम एक ही है, हाउसवेयर सॉल्यूशंस, और इसी का ब्रांड भी है एक्चुअली, तो ये प्राइवेट लेबल है। अच्छा, जो लोग दूसरे बेच रहे हैं वो अब हमें नहीं पता कि वो बाय परमिशन है या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाय परमिशन के थ्रू नहीं है, क्योंकि ये शिप फ्रॉम चाइना है, ये कोई चाइनीज है या फिर चाइना से कर रहा है, और इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा है, तकरीबन $40 से ज्यादा में ये बेच रहा है, और ये बंदा जो है जिसकी अपनी प्रोडक्ट है वो 15.45 का सेल कर रहा है। तो इसको हम बंद कर देते हैं और आगे कुछ देखते हैं इसमें, अगर मिल जाता है तो। अच्छा, नेक्स्ट पेज आ गया, इसके अंदर एडजस्टेबल फुट रेस्ट, ये आपके पास है, $68 का प्रोडक्ट है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। लग तो ये भी, ये चाइना की कोई ब्रांड नेम तो चाइना का लग रहा है वैसे। अच्छा, इसमें बैठे हुए हैं काफी सारे प्राइम, तो इसका मतलब ये काम हो सकता है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट नजर आ रही है। हेवन फर्नीचर और इसी तरह पेल गो। अच्छा, इसका नाम है नेओ, मैं इसका नाम उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, और यहाँ पहले तो मैं नाम इसका पेस्ट कर दूंगा सिंपल। तो मॉनिटर आर्म स्टैंड्स विथ फ्री शिपिंग ये कहता है, तो कहाँ का है ये प्रोडक्ट ये भी देख लेते हैं। अच्छा, इनके पास प्रोडक्ट्स तो हैं सिमिलर जैसी हमने वहां देखी है, लैपटॉप स्टैंड है, मॉनिटर राइजर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद अमेजोन पे बेच रहा है। कनाडा, फुटरेस्ट, अच्छा जी, तो ये आ गई, वही फुटरेस है, ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये वही ब्रांड है जो यहाँ अमेजोन पे सेल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे $69 का ये सेल हो रहा है कैनेडियन, और यहाँ पे ये 38.99 का है, लेकिन 38.99 US डॉलर्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहरहाल ये ब्रांड है और इसका ये प्रोडक्ट है ओरिजिनल, तो आप इससे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका ईमेल एड्रेस है, ये इसका फोन नंबर है, टेक्निकल सपोर्ट का ही। बहरहाल इसको फाइंड आउट करें और इससे अकाउंट बनाने की आप कोशिश करें ताकि आप ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकें। 5 इसमें सेलर नहीं, थोड़े से ज्यादा थे, तो ये सेलर्स हैं। आपका प्राइस जो कंपेटिटर होगा वो 68.99 वाले होंगे, जो कि तकरीबन 4 हैं, आप 5वें होंगे, बाकी तो ये 105 लगा के बैठा है या इससे भी ज्यादा, तो ये आपके कंपेटिटर्स नहीं हैं, कंपेटिटर्स आपके सिर्फ और सिर्फ ये 4 हैं, आप 5वें खुद होंगे। और ये कितने सेल हो रहे हैं ये देख लेते हैं अब इसका, जरा क्विकली हम
एम्स स्कॉट भी चला लिया हमने, और हमने ब्लैक एक्सरे भी चला के देख लिया। एम्स स्कॉट मुझे बता रहा है 127 सेल्स बता रहा है इसकी, ठीक है, और ब्लैक बॉक्स मुझे 297, यानी कि ये भी डबल, वही फर्क है, डबल का फर्क है। तो मैं फिर जो है वो दरमियान की कोई बात सोचूंगा, अज्यूम करूंगा कि तकरीबन 200 के आसपास ये यूनिट सेल हो रहे हैं, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। ऑफकोर्स एग्जैक्ट तो हमें उसी वक्त पता चलेगा जब हम खुद सेल करेंगे या उतरेंगे मार्केट में। अगर आपको बहुत ही ज्यादा फर्म डिसीजन चाहिए कि जी बिल्कुल एक्यूरेसी आए, तो फिर तो तरीका यह है कि आप सिंपल ये सब छोड़ दें और एम्स स्काउट स्टॉक स्टैट्स निकालें और इसमें जाके देखें। अब इसमें आपने देखना है कि कौन कितने लगा के बैठा। अब ये देखें, ये 500 यूनिट, 420 यूनिट्स, 590 यूनिट्स, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टॉक लेके बैठे हैं। तो अब आप ये FBA वालों का जो है वो, ये 4 FBA वाले हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और आज की तारीख डाल के वो स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लें। कल फिर इसके शाम को इसी वक्त रात को आइए वापस और फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए और कल की डेट के साथ सेव कर लें। इसी तरह परसों तरसों 4-6 दिन तक, हफ्ते भर तक ये प्रैक्टिस करें फिर, और तो इससे आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे कि किसी का स्टॉक कितना कितना कम हो रहा है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी, इसने 5 पीस बेच दिए, इसने 10 बेच दिए, इसने 6 बेच दिए, इसने 1 बेचा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल कितने जा रहे हैं एक दिन के अंदर, या फिर उसकी एक्सेल की शीट मेंटेन कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बहरहाल ये आपका एक है, वो तरीका है जिसको आप फिजिकली सॉरी मैनुअली आप इसको चेक कर सकते हैं स्टॉक वगैरह के हवाले से। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमने निकाली ब्लैक बॉक्स को यूज करते हुए, सॉरी ये तो ब्लैक बॉक्स को यूज करते हुए होम की कैटेगरी में। ये भी फिल्टर्स मैंने अभी लगाए हैं और आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 3 सेलर्स लगाए थे तो आप इसको कम कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे, मैं जैसे मैंने 150 लगाया था तो आप इसको कम करके बढ़ा, आई मीन 100 कर दें, तो ये और चीजें ले आएगा। अब देखें 89 हो गई प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से आपने चेक करना है, कैटेगरी आपने चेंज कर देनी है। अगर होम में फिर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप चले जाए ऑफिस प्रोडक्ट्स पे चले जाए, इसमें जाके देख लें, हो सकता है इसमें आपको प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, इसमें 38 प्रोडक्ट्स हैं। अब इसकी भी चीजें आप चेक करें, गो थ्रू करें। तो ब्लैक बॉक्स के थ्रू ये हमने काम किया था और ऑन द स्पॉट हमने दो प्रोडक्ट्स भी निकाल ली। थैंक यू सो मच।